सीरीज के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि निफ दिल्ली में होने के बाद भी मैं उदास क्यों था और कैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे 5 ऐसे सीक्रेट्स बताए जिससे मेरी निफ्ट की जर्नी बहुत ही पावरफुल हो गई, तो जिसके अंदर मैंने फैशन इलस्ट्रेशन और पैटर्न मेकिंग की इम्पोर्टेंस में बता चुका हूँ। अब ये जो तीसरे वाला है जिसकी वजह से मुझे बाद में निफ्ट के प्लेसमेंट में 5 जॉब्स मिली, वो था एक मॉड्यूल जिसमें हमें टेक पैक सिखाना बता रहे थे। अब वो जो टेक पैक था, जब मैंने वो पहली बार देखा तो वो एक शर्ट का टेक पैक था जिसके अंदर कुछ 15-16 पेजेस थे और हर जगह हर पेज पे कुछ ना कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उनके बटन के साइज से लेके उसकी खुद की मेजरमेंट को लेके उसके कलर बेस कैसे होंगे, फैब्रिक क्या जाएगा। मैं ना उस पूरे डॉक्यूमेंट को देख के घबरा गया कि अगर मुझे 50 पीस का कलेक्शन बनाना होगा कि सबके टेक पैक बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने सीनियर को बोला कि क्या टेक पैक बनाना ज़रूरी है? उन्होंने कहा नहीं ज़रूरी नहीं है, तो उसको छोड़ सकता है। मैंने कहा सीरियसली? कहता है हाँ, बट यही होगा कि तू बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी डिज़ाइनर बन नहीं पाएगा। मैंने कहा उसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब भी कोई डिज़ाइनर कोई डिज़ाइन बनाता है किसी ब्रांड में, तो उस डिज़ाइन की उस कंपनी को कोई वैल्यू नहीं है अगर उसकी प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि एक पीस से कंपनी को क्या लेना है। कंपनी को फ़ायदा होगा कि जब उसके 10,000 पीस बनेंगे, 1,000 पीस बनेंगे, 500 पीस बनेंगे, तो प्रोडक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ, वो बात तो सही है। तो कहता है प्रोडक्शन तो तभी होगी जब उसका टेक पैक बनेगा, जब उसकी पूरी डिटेल कि वो गारमेंट बनना कैसे है उसका वो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो कि उस डॉक्यूमेंट की वजह से जो फैक्ट्री है वो वैसे का वैसा प्रोडक्शन कर पाएगी। तो अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में टेक पैक दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि भाई तुम्हें इंडस्ट्री में काम कैसे होता है वो पता है। तो यही चीज़ मैंने फिर अपने सीनियर से सुनने के बाद मैंने दोबारा से एफर्ट दिए टेक पैक समझने के लिए, और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर टेक पैक था। अब उन टेक पैक की वजह से जब मैं प्लेसमेंट में बैठा तो 5 ऐसी कंपनियां थी जिनके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था और सब में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मुझे चूज करना था कि मुझे किस कंपनी में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनका 4th सीक्रेट जिसकी वजह से सच्ची में फैशन डिजाइनर्स बनते हैं।